हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप प्रभु कृपा से सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आज जैसा कि शाम का समय हो चुका है, सूर्यास्त हो गया है और शाम के समय भोजन में आज कुछ स्पेशल बनने जा रहा है। तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है और शाम का समय है, तो कुछ अच्छा सा कोई अगर पकवान बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और अभी मुझे ये पता चला घर में कि आज बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट पकवान जो है वो बनने जा रहा है और उसका नाम है मोमोज। तो आप सभी के मुंह में पानी आ गया होगा मोमोज सुनते ही। और आइए दिखाएंगे आपको हम कि मोमोज घर में कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए अब देर न करते हुए देखते हैं कि कैसे घर में मोमोज बनाए जा रहे हैं और आपको भी खिलाएंगे मोमोज। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या तैयारियां हो रही हैं घर में मोमोज बनाने की। आइए चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, थोड़े सोयाबीन यहाँ पानी में भिगो दिए गए थे और ये पूरा फूल गए हैं और उनका पानी निकाल रहे हैं। और देखिए, ये पानी निकालने के बाद फिर इनको मिक्सी में अच्छे से बारीक पीस लेंगे, तो जो मिश्रण बनेगा मोमोज का तो वो उसमें भरा जाएगा। और सारे सोयाबीन इसी तरह मिक्सी में अच्छे से पीस लिए गए और फिर उसके बाद हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक और लहसुन, इन सब को देखिए सिलबट्टे पर बारीक पीसा जा रहा है। और पीस करके फिर ये जो मिश्रण तैयार होगा भरने के लिए मोमोज में, उसमें ये पड़ेगा। तो सबको बारीक पीस लिया गया इसी तरह। देखिए, एक चम्मच के करीब यह लहसुन अदरक का पेस्ट इधर तैयार हो गया है। और अब दोस्तों देखिए, चूल्हे में आग जलाई जा चुकी है। अब जो मोमोज में भरने का मिश्रण है वो तैयार होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, थोड़ा कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें फिर ये सरसों का तेल जो शुद्ध घर का है वो डालेंगे हम। और रिफाइंड भी आप डाल सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पे सरसों का तेल डाला गया और उसके बाद फिर एक चम्मच के करीब यहाँ ज़ीरा, जो हम खाने में प्रयोग करते हैं, तो वो यहाँ डाला गया। और उसके बाद हल्की सी हींग एक चम्मच के करीब, इससे और भी सुगंध अच्छी आएगी मिश्रण में। और जो बारीक कटा हुआ प्याज रखा हुआ था वो भी यहाँ डाला गया एक कटोरी के करीब। और अच्छे से सबको मिक्स किया गया। देखिए, आंच में पक रहे हैं। और फिर उसके बाद ये जो पेस्ट सिलबट्टे पर पीसा गया था अदरक और हरी मिर्च का और लहसुन का, सबका पेस्ट इसमें यहाँ डाला गया। और एक चम्मच के करीब यहाँ हल्दी डालेंगे इसमें, तो सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। और देखिए, प्याज हल्का सा पक गया है। और बाद में एक चम्मच के करीब नमक डालेंगे। आप अपने स्वादानुसार भी नमक रख सकते हैं। और अंत में फिर ये जो मैगी मसाला आता है वो करीब एक पैकेट इसमें डालेंगे। और जो बारीक कटे हुए जो सोयाबीन थे जिसको मिक्सी में पीसा गया था, वो सारे पीसे हुए सोयाबीन को इस मिश्रण में मिला देंगे और अच्छे से करीब 10 से 15 मिनट तक इसको पकाएंगे हम, ताकि जो अच्छे से पक जाए तभी ये मिश्रण तैयार होगा। और देखिए, करीब 10 मिनट के बाद फिर यह मिश्रण तैयार हो गया, अच्छे से पक गया है। ऊपर से हरा धनिया डाला गया और हरा धनिया को फिर बाद में सब में मिक्स किया गया, ये देखिए। और अब मोमोज बनाने के लिए यहाँ आटा लिया गया है थोड़ा सा, क्योंकि आटे के भी मोमोज आपको खिलाएंगे और मैदे के भी मोमोज आपको खिलाएंगे, तो दोनों ही मोमोज बनेंगे। और ये देखिए, आटा गूंथ लिया गया था और इधर मैदा थोड़ा सा लिया गया। अब इसका भी आटा तैयार किया जाएगा। और अक्सर करके हम सभी लोग जब मोमोज खाते हैं बाज़ारों में तो बड़े ही अच्छे लगते हैं, पर जब कभी खाने का मन होता है तो इसी तरह घर में बनते हैं मोमोज।
और अब मोमोज़ का आकार देने के लिए जो मिश्रण बना हुआ था वो हम इसमें भरेंगे और मोमोज़ का आकार देकर इनको बनाते हुए खूब सारे रख लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं थाली में रखे हुए हैं खूब सारे। और जो चूल्हे पर पानी गर्म हो रहा था अब उसमें ये रखे जाएंगे, और रखने के लिए एक थाली ली गई है जिसमें देखिए छेद हैं, तो जो पानी की भाप होगी वो इन तक पहुँचेगी और इन्हें पका देगी। और अब इनको रख देंगे उसी भगोने पर और ऊपर से ढक देंगे जो भाप है वो निकल ना पाए। और करीब 5 मिनट के बाद देखिए मोमोज ये पककर तैयार हो गए हैं, और जो बीच में रखे हुए हैं आटे के हैं और जो किनारे रखे हुए हैं ये मैदे के बने हुए हैं। तो दोस्तों हमारे जो मोमोज हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं, और इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए अब हम टमाटर की जो चटनी होती है, जो सॉस होता है, इसको बाज़ारों में हम लोग बड़े ही चाव से खाते हैं, तो हम बाज़ार से नहीं लाए थे, घर में ही बनेगा, तो घर में बनाया जा रहा है। तो इसके लिए 4 या 5 टमाटर मिक्सी में पीस लिए जाएंगे अच्छे से, और फिर एक मिश्रण जो तैयार होगा उसको हम यहाँ निकालेंगे। और निकालने के लिए देखिए यहाँ एक पात्र लिया है, उसमें डाल दिया गया, और जब ये गर्म होने लगा तब इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डाली गई और 1 कटोरी के करीब चीनी मिक्स की गई इसमें, ताकि जो खट्टापन है वो भी बरकरार रहे और मिष्ठान यानी मिठाई भी उसमें थोड़ी सी रहे। और एक थोड़ा सा नमक इसमें डाला गया, और फिर ऊपर से मैगी मसाला वो भी डाला गया। और सबको अच्छे से पकने दिया। जब ये थोड़ा गाढ़ा पेस्ट हो गया चटनी का, तब इसको एक कटोरी में निकाल लिया गया और हमारी बड़ी ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार हो गई है, और सॉस भी कह सकते हैं आप। तो दोस्तों देखिए बड़े ही स्वादिष्ट और टेस्टी ये मोमोज तैयार हो गए हैं। आपने देखा कि कैसे ये चूल्हे में बनाए गए और पूरे बनकर अब तैयार हो गए हैं, कुछ अभी बन रहे हैं। तो आइए टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बने हैं। राशि देखिए मांग रहे हैं, कौन सा लोगे तुम? ये वाला। ये मैदे के बने हैं, और ये जो डार्क कलर में हल्का है ये आटे के बने हुए हैं। तो दोनों टेस्ट करेंगे और बताएंगे आपको कैसे बने हैं। तो तुम पहले ये मैदा टेस्ट करो, तुम भी खा लिया। आइए टेस्ट करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों ये जो मैदे का मोमोज बना है, आइए पहले इसको टेस्ट करेंगे। और सबसे पहले आप टेस्ट करिए और बताइए ये कैसा बना है, क्योंकि आप हमारे प्यारे दर्शक हैं, तो सबसे पहले आपका हक बनता है कि इन मोमोज को टेस्ट करें और बताएं। ये लीजिए, आइए टेस्ट करते हैं और देखते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं दोस्तों ये मोमोज। और जो चटनी अभी आपने देखा था जो टमाटो की बनी है, वही बहुत खट मिट्टी और तीखी चटनी है। और देखिए आसी कैसे खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इधर रखो अपना। और ये जो आटे के बने हैं मोमोज, आइए उनको टेस्ट करेंगे और देखते हैं कैसे बने हैं ये। थोड़ी सी चटनी लगा लेंगे, वाह इसमें भी वैसा ही स्वाद है जो ये मैदे के बने हैं। और ये आटे का जो मोमोज होता है ये नुकसानदायक भी नहीं होता है, मैदा नुकसानदायक रहता है। तो आप आटे की भी बना सकते हैं और मैदे की भी बना सकते हैं, दोनों ही कंफर्टेबल हैं। तो आप घर में बनाइए और सबको खिलाइए। दोस्तों हम खा रहे हैं, और उसके बाद आप सबको यह मोमोज कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सबको घर में बनाकर खिलाइएगा। मिलते हैं आप सभी प्यारे दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि,
नमस्कार।